हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ मेंस कट ऑफ 2020 की क्या रही थी। लास्ट ईयर कट ऑफ हम इसमें डिस्कस करेंगे 2020 का, जो कि फरवरी 2021 में इसका रिजल्ट आया था, 2020 में जो है पेपर हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है इसका सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि जो सेक्शन वाइज कट ऑफ जाता है मिनिमम, वो कितना रहा था। ठीक है, जो कि एस कैटेगरी वाइज इसमें दिया जाएगा आपको बिल्कुल, और जो ओवरऑल जो कट ऑफ होता है वो कितना रहा था वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो इसका रिजल्ट है वो कल अनाउंस कर दिया गया था, और जिस जिसका हुआ है उसको यार मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यार, अब चलिए, आपको एक अब आपको मेंस की तैयारी करना होगी, तो उसके लिए आपको किस आधार पर तैयारी करनी होगी, लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखते हुए कि मिनिमम जो है आपको इतने मार्क्स तो लाने ही चाहिए कि आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को तो टच कर ही पाएँ या उससे ऊपर ना पाएँ। इससे क्या होता है, एक मतलब अपन को आइडिया लग जाता है कि हमें इतने तक तो करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ के बारे में। और तो यार, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैंकिंग से जुड़ी कोई भी पल पल की इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा IUPS RRB PO मेंस कट ऑफ है, जो कि सेक्शन वाइज है, यानी कि जो मिनिमम कट ऑफ जाता है सेक्शन का वो कितना आता है। देखिए, आपको मालूम होगा यहाँ पर रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और फिर एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका पूछा जाता है, जो कि सारे ही 40-40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जनरल और EWS का दिखा रहा है, एक कैटेगरी में है ये जनरल EWS, और यहाँ पर SC ST OBC और PWD वाले हैं। ठीक है, तो मिनिमम कट ऑफ रीजनिंग का कितना गया था SC ST OBC PWD की बात करें तो 8.75, ये 40 में से इतना तो आपको लाना ही था, और जनरल वाले 12 लाना था। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें तो 5.75, यहाँ पर 8.75। जनरल अवेयरनेस देखिए कितना कम गया था, मतलब अच्छा लेवल आता है जनरल अवेयरनेस का। ठीक है ना, तो देखिए कितना कम, मतलब 2.25, इधर देखिए 4.5, मतलब बहुत ही कम जो है आपका कट ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में 3.50, हिंदी में भी 3.50, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में 7.25, 6.25 हिंदी का, मतलब हिंदी में बच्चे 6.5 नंबर नहीं ला पा रहे यार, मतलब कुछ तो लेवल रहा होगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है कि मतलब अच्छा लेवल आता होगा। ठीक है, क्वांट में देख लीजिए 2.5, इधर 2.25, इधर 5.25। ठीक है ना, तो मतलब लेवल काफ़ी अच्छा रहा होगा। चलिए हम अब ओवरऑल जो कट ऑफ है, ये तो हमारा सेक्शनल था, इतना तो आपको मिनिमम लाना है। अब चलिए ओवरऑल कट ऑफ देख लेते हैं, जो कि हमारा रहेगा स्टेट वाइज प्लस कैटेगरी वाइज। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए आपको स्टेट दिख जाएगा, यहाँ पर SC ST OBC EWS, लास्ट वाला जनरल का है। ठीक है, पहला ST, आप ये ध्यान में रखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो SC का गया था 61.94, ST का 52 गया था, और OBC का 76.38 गया था, EWS का 76.38, जनरल का देखिए 76.38 गया था। ठीक है, तो इतना जो है आपका आंध्र प्रदेश का गया था। तो आप अगर आंध्र प्रदेश से हैं, आपने भराया, तो आप इसको इसको इस वाले को ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करें। ठीक है ना, आप इस आधार पर जो है अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए मैं अब ऐसा करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जनरल कैटेगरी का सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, और SC ST कैटेगरी वाले अपना जो है इसमें देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं वीडियो ज़्यादा तेज नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए अरुणाचल प्रदेश में देखिए, यहाँ पर नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, क्योंकि वैकेंसी नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद आसाम का देख लीजिए, 72.44 गया था, ये 200 में से है। ठीक है ना, कितने में से, 200 में से है। ठीक है, इसके बाद देखिए बिहार का कितना गया था, तो 77 गया था, अच्छा खासा गया। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का 75.50, गुजरात का 56, और हरियाणा का देख लीजिए सबसे ज़्यादा, मतलब 90 करके गया, 91.81, मतलब हरियाणा का अच्छा जो है जाता है। हरियाणा वाले ध्यान रखें, उनका कट ऑफ जो है थोड़ा अच्छा लेवल का जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हम तेलंगाना देख लेते हैं, तो 70 गया था, त्रिपुरा देखिए 80 गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश 70, और देखिए उत्तराखंड मतलब 100, मतलब अलग ही लेवल। देखिए सारी कैटेगरी का यहाँ पर 100 100 दिख रहा है, तीन कैटेगरी का, SC का भी 100 दिख रहा है, बाकी बस OBC और आपका जो ST का है उसका ही कम है। ठीक है ना, इसके तहत वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का भी अच्छा गया, 80 गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मेघालय का, देखिए 58.50 गया है, मिजोरम का 64.06 है ना, इसका 85., उड़ीसा का, नागालैंड में वैकेंसी नहीं थी, पुडुचेरी का नॉट अवेलेबल है, पंजाब का भी अच्छा गया देखिए 92 करके है ना, तमिलनाडु का भी अच्छा गया है, इसका राजस्थान का सबसे कम गया था, ये देखिए 47.63, मात्र 47 नंबर राजस्थान का, मतलब आप देखिए। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो यार पिछली बार की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी को मिला के देख लेना, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है आपके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश का, 88.38 अच्छा गया था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का भी अच्छा गया था, 90 नंबर के समथिंग है कम से कम। ठीक है, झारखंड का भी 82 है, यहाँ नॉट अवेलेबल है कर्नाटका और केरला का, मध्य प्रदेश का 77.13 गया था। ठीक है, और इसके अलावा महाराष्ट्र का 73.56, मणिपुर का 65.06,
ठीक है। तो यार यही हमारे पास जो है पूरा डाटा निकल कर आ रहा है, तो आप जो है इसको ध्यान में रखते हुए या इससे कम से कम +5 नंबर ज़्यादा ही लाने की आप कोशिश करें, जिससे आप जो है अपना 2021 में सिलेक्शन जो है वो पक्का कर सकें। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो SBI क्लर्क मेंस वर्सेस आपको RRB PO मेंस की स्ट्रेटजी यही कि किसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है, जिससे हमारा जो है दोनों में ही कोई मतलब गैप ना हो, कि मतलब हम SBI की भी तैयारी कर सकें और हम RRB PO की भी तैयारी कर सकें। तो इसके लिए हम जल्द ही 1 या 2 दिन में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।